झारखंड विधानसभा को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। आजसू 10 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि जेडीयू को 2 सीटें दी गई है। वहीं चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर को चतरा की 1 सीट दी गई है। बाकी की 68 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। एक तरफ एनडीए की ओर से झारखंड की तस्वीर साफ की गई है, तो दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी की गाड़ी महाराष्ट्र में फंसती हुई दिख रही है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीटों के बंटवारे का पेच सुलझ नहीं पा रहा। संजय राउत का बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कांग्रेस के नेता सक्षम नहीं है, क्योंकि वो फैसले नहीं ले पाते, इसलिए राहुल गांधी से बात करने की जरूरत है। आज मैं राहुल गांधी जी से भी बात करूंगा और जो रुका हुआ फैसला है सीट शेयरिंग के बारे में, उसको गति मिलनी चाहिए, उसके बारे में हम उनसे आज बात करेंगे। सुबह बात हो गई है, बहुत से सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना और हमारा अलायंस पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट, हमारे यहाँ एक शेतकरी कामगार पार्टी है। अब टाइम कम है बहुत, तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है, हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। संजय राउत के बयान को लेकर बीजेपी की ओर से निशाना साधा गया है और निशाने पर रहे हैं कांग्रेस के नेता। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बात दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उद्धव जी की हालत, कांग्रेस से घर जाना, राष्ट्रवादी के घर जाना, शरद पवार जी के घर जाना, ये बन चुकी है। मातोश्री का जो इमेज था कि मातोश्री में जाके सब चर्चा करते थे, उद्धव जी की हालत अभी ऐसी स्थिति है कि वो शोले पिक्चर में था जेलर, आधे इधर आधे उधर, मेरे साथ कोई नहीं। दूसरी ओर महाराष्ट्र में सिर्फ महाविकास अघाड़ी ही नहीं बल्कि महायुति में भी बवाल मचा हुआ है। एकनाथ शिंदे की शिवसेना कह रही है कि मुंबई हमारा गढ़ है, हमें मुंबई में ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।